इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाएं सुनाई गई थी। उस साइफर केस में फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया था जिसकी आज समाअत है। डिले टैक्टिक्स, आपको पता है कि साइफर केस के अंदर जहां पर रिलीफ का मामला हो लटकाया जाता है, जहां पर सजाएं सुनानी हो तो 14-14 घंटे अदालतें लगती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। दलायल प्रोसिक्यूशन जब दे तो हम ये इस्तदा करेंगे कि दलायल जो हैं वो दिए जाएं लेकिन लटकाया ना जाए। लटका के सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि वो जेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा। अब कल आपने देखा इद्दत केस में कैसे वकील भागे, इसलिए कि वो ज्यादा अंदर रहें, बेबी साहिबा खान साहब। उसके अलावा तीन प्रीवियस बेल जो कि लाहौर में लगी हुई है 9 मई के हवाले से, लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया 6 दिन के अंदर ये बेल्स डिसाइड की जाएं, अभी तक महीनों गुजर गए लटके हुए हैं। ये बेल्स क्यों लटकी हुई हैं, क्यों बहाना बनाया जाता है? जी देखें जी, इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, अगर पेश नहीं किया जाता तो फिर आप फौरन डिसाइड कर देना, क्योंकि 4 बेल्स पहले इमरान खान साहब की हाजिरी के बगैर डिसाइड हो चुकी हैं। सिर्फ बहाने क्या हैं कि लटकाओ जी, लटकाओ जी, ताकि ज्यादा वो फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक हर शहरी का हक है। तो जब एक साबिक वजीर आजम को, उनकी अहलिया को, एक साबिक वजीर खारजा को आपने फेयर ट्रायल नहीं देना, आम आदमी का क्या है? किस तरह प्रेशर डाला जा रहा है, किस तरह प्रेशर डाला गया, वो आपके सामने है। और इसके साथ साथ साबका खातून वाल बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो दरखास्त दी थी कल, जिसमें इतराज लगा था, उतराज आज खत्म हो गया। उसमें अदालत ने यह कहा है कि दूसरे केस के साथ इसे फिक्स किया जाता है। वो दरखास्त क्या थी? वो दरखास्त ये थी कि बीबी साहिबा के टेस्ट जो हैं वो करवाने की इजाजत दी जाए। डॉक्टर फैसल उनके मौलिज हैं, क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? हम बार बार मुतालबा करते हैं, लेकिन पहले इमरान खान साहब के हवाले से हम पटिशन लेकर गए, उसके ऊपर आज तक कोई सदबाब नहीं हुआ। बीबी साहिबा के हवाले से कोई लेकर जाते हैं, सेम लटकाई जाती हैं। कब तक ये एजेंसियां प्रेशर डालेंगी हमारे इदारों को? कब तक ये रगमाल बनाया जाएगा, बंद किया जाए, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ किया जाए मुल्क में? लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं, लोग इंसाफ की उम्मीद से अदालतों में आते हैं, तो लिहाजा इंसाफ दिया जाए। थैंक यू।